फिल्म में मुस्लिम किरदारों को काम नहीं करने का फरमान सुनाया है। इतना ही नहीं, ठेकेदारों ने कलाकारों को रामलीला में किरदार निभाने पर धमकी भी दी है। कलाकारों ने SSP ऑफिस पहुंचकर इस घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बरेली से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सालों से रामलीला हो रही है, रामलीला में मुस्लिम भी यहां पर किरदार निभाते हैं, लेकिन अब उन्हें यहां पर धमकी दी जा रही है। किरदार निभाने पर उन्हें धमकी दी जा रही है, जिसके बाद उन्होंने SSP से यहां पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मैं एक मुसलमान होने के नाते रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूं, और मैं पिछले कई सालों से राम का कैरेक्टर करता चला रहा हूं, जिससे उनको प्रॉब्लम है। इस बात को लेके कई बार उनसे मेरी हॉट टॉक हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा ही हद कर दी। कल करीब 10:30 बजे वो मेरे घर पर चला आया, घुस गए। वो राकिब उर्फ खालिद, वो कहते हैं कि साहब तू रामलीला में राम का कैरेक्टर नहीं करेगा। तो मेरा उनसे सवाल है कि मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं एक कलाकार हूँ, जिसके नाते मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, वो भी मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करें। हमारे साथ में ही साथी कलाकार हैं रंगमंच के, तो इनके किराएदार हैं, रजा चौक सैलानी पे ही दुकानें हैं, उसमें एक किराएदार हैं। तो वो काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर के इस तरीके की बातें करते थे कि तुम लोग रामलीला में क्यों भाग लेते हो। जैसे कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हूँ, और मैं रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा करती हूँ, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला कि तुम राम क्यों करते हो, तुम लोग जो मुस्लिम होकर के भी रामलीला में क्यों भाग लेते हो, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। इस तरीके की जो उन्होंने धमकी दी है कि उस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आगे चल के ये किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तो यहाँ पर एक मिसाल है कि किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम किरदार भी रामलीला में सालों से अभिनय कर रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर धर्म के ठेकेदार हैं जो उनको अब धमकी दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये विभाजन की रेखा खींच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि दानिश नाम का युवा है, ये जो रामलीला में मंचन करते हैं, ये अंडरवेयर में प्रोग्राम करते हैं, काफी लंबे समय से रामलीला में ये भाग लेते हैं। दानिश जो रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाता है, और इसी बात को लेकर कुछ कट्टरपंथी नाराज है। उसके बाद जो इसके साथ कुछ और मुस्लिम युवक और युवतियां भी हैं जो और अन्य किरदार निभाते हैं, इसी बात को लेकर लगातार कट्टरपंथी इनको धमकी दे रहे थे कि अगर तुम रामलीला में किरदार निभाओगे या रामलीला का मंचन करोगे तो तुम्हारे साथ हादसा होगा या किसी की कोई घटना होगी। इस बात को लेकर काफी लंबे समय से इनको धमकी दी जा रही थी। जब ये लोग परेशान हो गए कट्टरपंथियों की दहशत से, धमकियों से परेशान होकर, जब इन्होंने कल आकर SSP बरेली रोहित सिंह सजवाण को इस बात की शिकायत की कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है, जान से हाथ धो बैठने की धमकी दी जा रही है, अगर वो रामलीला में किरदार निभाना बंद नहीं करेंगे तो उनके साथ कोई भी बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। फिलहाल SSP बरेली रोहित सिंह सजवाण ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और तत्काल जांच बिठाकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर